नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी की शुक्रवार को यूपी के बाराबंकी और हमीरपुर में दो रैलियां हुई, जिसमें उन्होंने मतदाताओं को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से डराने के लिए पूरा जोर लगा दिया। बाराबंकी में मोदी ने कहा, सपा और कांग्रेस वाले अगर सत्ता में आएंगे तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहाँ चलाना है और कहाँ नहीं चलाना। मोदी ने आगे कहा, कांग्रेस राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की तैयारी कर रही है। कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, भ्रम में मत रहें। हमीरपुर में रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव से पहले ही सपा कांग्रेस ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। कांग्रेस कह रही है सबकी संपत्ति की जांच करेगी, फिर से आपकी संपत्ति का एक हिस्सा उनके लिए वोट जिहाद करने वालों को बांट देगी। पीएम ने आगे कहा कि कर्नाटक में रातों रात मुसलमानों को ओबीसी बना दिया गया, वहां के पिछड़े आरक्षण से वंचित रह गए। अब यही मॉडल पूरे देश में लागू कराना चाहते हैं। संविधान बदलकर एससी एसटी ओबीसी का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज दिल्ली के चांदनी चौक में चुनावी रैली करेंगे। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए 25 मई को चुनाव होना है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। 4 सीटों पर आप और 3 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार उतरे हैं। चांदनी चौक सीट पर कांग्रेस के पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल को टिकट दिया गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में राहुल गांधी की पहली रैली है। 28 अप्रैल को दिल्ली के कांग्रेस प्रमुख अरविंद सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 5 मई को वे भाजपा में शामिल हो गए थे। लवली के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने 30 अप्रैल को देवेंद्र यादव को दिल्ली इकाई के अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया था। यूपी के रायबरेली में अखिलेश राहुल की रैली में सोनिया गांधी भी शामिल हुई। उन्होंने कहा, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। जैसे आपने मुझे अपना माना है, वैसे ही राहुल गांधी को मानकर रखना है। राहुल आपको निराश नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा, मैंने राहुल और प्रियंका को भी वही शिक्षा दी है जो रायबरेली और इंदिरा जी ने मुझे दी थी। सबका आदर करो, कमजोरों की रक्षा करो, अन्याय के खिलाफ जिससे भी लड़ना पड़े लड़ पड़ो। डरना नहीं, वे डरेंगे भी नहीं, क्योंकि न्याय और परंपरा की तुम्हारी जड़ें बहुत मजबूत है। झारखंड हाई कोर्ट ने एक मुकदमे में चल रही सुनवाई के जवाब दाखिल करने में देरी की वजह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी द्वारा भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े केस में संज्ञान लिया था, जिसे निरस्त करने के लिए उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में राहुल गांधी को जवाब दाखिल करने को कहा गया था। चाईबासा निवासी प्रताप कटियार नामक एक शख्स ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया था कि उन्होंने साल 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने गैर सरकारी संगठन की याचिका पर शुक्रवार को निर्वाचन आयोग से एक हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। याचिका में लोकसभा चुनाव के प्रत्येक चरण का मतदान संपन्न होने के 48 घंटे के अंदर मतदान के आंकड़े आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड ने याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगने के चुनाव आयोग के अनुरोध को उचित बताया है। पीठ ने कहा है कि चुनाव आयोग को याचिका पर जवाब देने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन संशोधन के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती दिए जाने वाली याचिका पर शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, लेकिन उन्होंने नियमित जमानत के लिए निचली अदालत का रुख करने की छूट दे दी है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। पीठ ने अपने आदेश में कहा, दलीलें सुन ली गई हैं, फैसला सुरक्षित है। हालांकि अपीलकर्ता कानून के अनुसार जमानत के लिए निचली अदालत का रुख कर सकते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर एक शख्स ने माला पहनाने के बहाने हमला कर दिया। शख्स ने कन्हैया कुमार पर थप्पड़ चलाए। कन्हैया कुमार की टीम का आरोप है कि इस हमले के पीछे बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी का हाथ है। हमलावर मनोज तिवारी के करीबी हैं। पप्पू यादव ने इस घटना की निंदा की है।
उन्होंने कहा, कन्हैया कुमार जी पर दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान हमला कर बीजेपी ने अपनी कब्र खोद ली है। यह अत्यंत दुखद और शर्मनाक है। दिल्ली की महान जनता 7 सीटों पर बीजेपी की जमानत जब्त कर जोरदार जवाब देगी। कन्हैया कुमार पर हमले को लेकर उनके खिलाफ लड़ने वाले बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने जी मीडिया से बात करते हुए कहा, ऐसा होना नहीं चाहिए, लोगों को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि खुद ही खुद पर हमला करवा सकते हैं, क्योंकि अब कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वे जिसके भी घर चले जाते हैं, ये किसी के साथ घूम लेते हैं, तो उनके रिश्तेदार को फोन आने लगते हैं कि देशद्रोही के साथ क्यों घूम रहे हो। मैं एक प्रत्याशी हूं और मेरा ये मानना है कि भले ही लोगों को कन्हैया कुमार के प्रत्याशी के तौर पर देखने का गुस्सा आता है, उसी गुस्से में कांग्रेस टूट गई है, फिर भी ऐसे गुस्से से बचना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विवेक कुमार ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि मालीवाल ने 13 मई को मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा में सेंध लगाकर अनधिकृत प्रवेश किया और वहां हंगामा किया। विवेक कुमार ने सिविल लाइंस पुलिस थाने में SHO को ईमेल के माध्यम से भेजी गई शिकायत में यह कहा है कि अब मालीवाल झूठे आरोप लगाकर उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही हैं। कुंडली मालेसर पलवर एक्सप्रेसवे पर श्रद्धालुओं से भरी एक बस पलट गई। इस हादसे में बस में सवार 8 लोग जिंदा जल गए, जबकि 2 दर्जन से लोग अधिक बुरी तरह झुलस गए हैं। बस में कुल 60 लोग सवार थे। घायल लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। चलती बस में आग की लपटें देख स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गईं और आग पर काबू पा लिया। मुंबई की एक अदालत ने घाटकोपर में होर्डिंग गिरने के मामले में विज्ञापन कंपनी के निदेशक भावेश भिंडे को शुक्रवार को 26 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। होर्डिंग गिरने की घटना में 16 लोगों की मौत हो गई थी। भिंडे को बृहस्पतिवार को राजस्थान के उदयपुर के गिरफ्तार कर मुंबई लाया गया। भिंडे की ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के घाटकोपर में विशाल होर्डिंग लगा था, जो 13 मई को धूल भरी तेज आंधी के दौरान एक पेट्रोल पंप पर गिर गया। घटना के बाद भिंडे फरार था, जिसके खिलाफ पुलिस ने भारतीय दंड संहिता के आधार पर 304 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। भारत मौसम विभाग ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में मौसम बेहद खराब रहा और नजफगढ़ क्षेत्र में पारा 47.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे यह देश का सबसे गर्म स्थान बन गया। दिल्ली में कम से कम 8 स्थानों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया, जिससे लोग गर्मी में झुलस गए। शहर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि अगले 2 दिनों में कुछ हिस्सों में लू चलने की आशंका है। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।